अस्सलामुअलैकुम, ऐसे नदीम अगेन विद अ न्यू व्लॉग। टुडे इज नाइन्थ मे एंड कोशिश थी कि एक बिजनेस व्लॉग बनाए, बट सुबह से ये न्यूज़ चल रही है ऑन यूट्यूब एंड ऑन एवरी चैनल अबाउट TGISPR, अबाउट नाइन्थ मे, अबाउट डिस्क्रिमिनेशन ईच एंड एवरी थिंग। सो वी थॉट कि चले इसी के बारे में आज मैं भी बात करता हूँ। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट एक समरी, एक जो थोड़ी बहुत होती है उसके बारे में चले हम भी बात करते हैं। नो फर्स्ट, वेरी वेरी फर्स्ट थिंग, DGISPR साहब की जो एक हम सुन रहे थे और उसमें कुछ बातें थी, कुछ पॉइंट्स थे, जैसे उसमें हम डिस्कस करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि व्लॉग जो है उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव और कुछ ना कुछ बेहतर जो है आपको एट द एंड ऑफ द डे सुनने को या सीखने को मिले। सो फर्स्ट पॉइंट, एक बहुत बेहतर चीज़, एक बहुत बेहतर क्लैरिफिकेशन की अबाउट द बिजनेसेस, DHA के बारे में, अबाउट फर्ज फाउंडेशन के बारे में, CMH के बारे में, कि हाउ मच टैक्सेस एंड ड्यूटीज दे हैव पेड, एंड दैट वाज लाइक अराउंड 360 अरब, 360 अरब रुपए जो थे टैक्स एंड ड्यूटी की मद पे पे किए गए। बट एक जो अच्छी बात नहीं लगी ना, जो एक बड़ा ऑकवर्ड सा फील हुआ सुन के भी, कि लाइक जैसे कि जी आप लोग आते हैं एंड DHA में आप लोग आते हैं, आप CMH को प्रेफर करते हैं, सो वहाँ पे कहीं ना कहीं फील हुआ जैसे लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन यू आप लोग एंड वी हम लोग। सो ऐसे के चले इसके बारे में तो बाद में बात करते हैं, बट अगर चले बिजनेस की अगर बात करते हैं, सो बिजनेस जब टैक्स आप दे रहे हैं दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, बट कभी बिजनेस जब स्टेब्लिश करते हैं, सो फॉर द बिजनेस वी नीड अ कैपिटल। सो जो कैपिटल अमाउंट है, वो जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ से आई है? अगर उसका ऑडिट पता चल जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या अवाम को, तो एक ज़्यादा बेहतर एक जो है इम्पैक्ट पड़ जाता है। और सेकंड चीज़ के यस, द थिंग दैट दे हैव डन इन द आर्मी मैनेजमेंट फॉर दिस बिजनेसेस आर अ ग्रेट थिंग, लाइक इट्स समथिंग दैट यू ऑलवेज हैव टू अप्रिशिएट। बट वो जो एडवांटेजेस है आपको, चले आपने कैपिटल खुद जनरेट किया, बट अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस दैट यू रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो आम आदमी को नहीं मिल सकते, अगर वो आम आदमी को भी मिले, आम अवाम को मिले, तो अ लॉट ऑफ चांसेस के दे कैन ऑल्सो क्रिएट समथिंग दैट फार बेटर, दैट इज DHA फॉर जी फाउंडेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक आम आदमी अगर कहे कि यार मुझे 2 साल की लीज की बजाय मुझे आप 100 साल कर दें, मुझे 90 साल कर दें, 80 साल कर दें, और बाकी लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस जो होती है, पावर इन्फ्लुएंस, वो भी बिजनेस में मैटर करती है। सो एट द एंड ऑफ द डे वी कैन नॉट नेवर से दिस इज आर एंड दिस इज योर्स, एंड ये डिस्क्रिमिनेशन जो है किसी भी इदारे की तरफ से नहीं होनी चाहिए फॉर द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सी वी आर ऑल्सो द आर्मी, दे आर ऑल्सो द पब्लिक, वी आर पाकिस्तान, हम सब लोग एट द एंड ऑफ द डे एक पाकिस्तान का हिस्सा है। तो बिजनेस की बात होगी तो बिजनेस में हम बस यही कहेंगे कि एवरीवन शुड गेट इक्वल चांसेस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और कहीं पे भी अगर कोई करप्शन है, कहीं पे भी माइनर मिसमैनेजमेंट है, तो वो नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए, अभी भी नहीं होनी चाहिए, एंड एवरीथिंग शुड बी अंडर वन सेट ऑफ रूल्स। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पे ही, जो अभी सुबह से चल रहा है कि 9/11 नहीं, इस 9 मई, 9th May 2024 के जी जो पिछले साल हुआ था, 9 मई 2023 को, अब इंस्टेड कि आप पूरा 1 घंटा, पूरे 2 घंटे, पूरा 1 साल सिर्फ इस बात पे ही बहस करते रहे कि दैट वाज अ रिएक्शन बिकॉज इमरान खान साहब को किडनैप करने की कोशिश की गई थी, या ज्यादा कोप करने की कोशिश की गई थी, या एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था कि आपको पता था कि रिस्पॉन्स आएगा। और ऑन द सेकेंड साइड के आप कहते हैं कि जी जुडिशल आप कमीशन बनाए, बट अगर वो बनाना है तो 2014 का जो हुआ था आपका प्रोटेस्ट हुआ था उसके बारे में भी बनाएंगे, एंड ये भी कर देंगे, फिर वो भी कर देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे ना CCTV फुटेजेस आपके पास है, ना हमारे पास कोई शवाहिद है, ना तो एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ उसमें से पीसफुल रिजल्ट निकलेगा। जो एक बेसिक इंप्रेशन जा रहा है दैट इज के जो ये आपका 9 मई है, दैट इज जस्ट बिकॉज फॉर ए पॉलिटिकल बेनिफिट्स, एक पॉलिटिकल स्टांस है। एंड अगर इस पार्ट को अगर हम साइड पे भी कर देते हैं, तो इमरान खान साहब की कुछ गलतियां थी, प्रोवोक अवाम हुई है, अवाम को प्रोवोक करने के लिए उनके कुछ वर्ड्स थे, वो इंस्टेंटली बेशक वो एक स्पेसिफिक फर्द के बारे में थे, लेकिन जो एक आम अवाम है उसके माइंड में जो इंप्रेशन जा रहा था, वो पूरे एक इदारे के बारे में जा रहा था। आपको ये चीज समझनी चाहिए थी, और फिर आपके जो पूरे 1 साल की, 1.5 साल का आपका एक
लाहेमल बनता जा रहा था, दैट वॉज जस्ट अगेंस्ट द होल आर्मी। वो एक स्पेसिफिक बंदे पे नहीं था, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए थी। और उसके बाद इन सब चीज़ों को करामत या इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किसी ने किया, वो आप मैं नहीं बता सकता किसने किया होगा, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन वो किसी एक बंदे ने अपने फायदे के लिए उसको यूज किया। अवाम को ट्रैप किया गया, ट्रैप इन अ सेंस एक अनकॉन्शियसली उसको ट्रैप किया ताकि एक जगह पे लेके गए, एंड फुटेजेस एंड इम्प्रेशन यही गया कि आर्मी एंड पाकिस्तान पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव क्रैश्ड टुगेदर एंड द रीजन इज इमरान खान। सो इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में जाने की बजाय एक जो चीज़ है मैंने सबको बतानी चाहिए कि दैट वाज अ मिस्टेक, इमरान खान साहब की तरफ से ये गलती हुई थी। उनको पता होना चाहिए था कि इस चीज़ का इतना रिजल्ट आएगा, बिकॉज पीपल ऑफ पाकिस्तान और जो ओपोजिशन थी, पीपल ऑफ पाकिस्तान को छोड़िए, जो ओपोजिशन थी वो आपका जो एक मौकफ था कि आप कह रहे थे कि एक फर्द, बट उस एक फर्द को वो जो है वो एक पूरे इदारे के साथ मंसूब कर रहे थे। सो एक और चीज़ जो हम क्लियर कर दें कि कभी भी हम अगर एक फर्द की बात करते हैं, अगर एक फर्द ने करप्शन की है, एक फर्द ने मिसमैनेजमेंट की है, एक फर्द ने पावर का मिसयूज किया है, तो जब हम उस फर्द को पॉइंट आउट करते हैं तो उसका मतलब होता है उस फर्द की बात हो रही है, उस कंप्लीट इदारे की बात नहीं हो रही है। अगर किसी सियासी बंदे ने करप्शन की है, सो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल पॉलिटिकल एरिना। इफ किसी आर्मी के शख्स ने कुछ गलत किया है, परसेप्शन है, अगर सबूत नहीं भी है बट परसेप्शन है या सबूत है भी, तो वो स्पेसिफिक उस बंदे की बात हो रही है। नो वन इज टारगेटिंग द होल आर्मी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आर्मी या पॉलिटिकल पार्टीज दे एवरीवन वी आर ऑल टुगेदर। इट्स नथिंग के जी आर्मी समथिंग एल्स, वी आर समथिंग एल्स, इट्स ऑल अबाउट पीपल ऑफ पाकिस्तान। और रही बात की गलती हुई है, सो क्या ये जो 9 मई है, 9 मई है, क्या ये बिगेस्ट ब्लैक डे है, क्या ये 9/11 ऑफ पाकिस्तान है? तो उसके बारे में हम ऐसा करते हैं कि पहले हिस्ट्री में थोड़ा बहुत देख के आते हैं कि हिस्ट्री के थ्रू क्या क्या हुआ था, और फिर देन विल जस्ट कंपेयर दैट 9 मई एंड विद ऑल दी अदर व्हाट हैपेंड। तो बिल्कुल ज़्यादा डिटेल्स में या ज़्यादा हिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे, बट द हिस्ट्री के जहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट हिस्ट्री शुरू ही, कि जहाँ पाकिस्तान जो था वो ज़्यादा रेलिवेंट होना शुरू हुआ, दैट वाज द डे नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जो है मुस्लिम लीग नून के सरबरा है, ही डिड अ वेरी वेरी फैंटास्टिक जॉब के पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया। एटॉमिक पावर बनने के बाद जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान एज अ कंट्री मोर रेलिवेंट हो गया टू यूएसए, मोर रेलिवेंट इन दी यू नो इन द वेसिनिटी विद अफगानिस्तान, विद इंडिया, विद कश्मीर इश्यू, विद एवरीथिंग, पाकिस्तान बिकम्स मोर एंड मोर रेलिवेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर नवाज शरीफ कि जी एटॉमिक पावर बनाया, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच टू दी बॉस ने पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान साहब। और मसले मसाइल उसके बाद ज़्यादा जनरेट होना शुरू हुए, और आई थिंक जो गलती थी उस वक्त के हिसाब से कि आपको डिक्टेटरशिप या मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहिए था, चौथा मार्शल लॉ दैट वाज एक्चुअली डन बाय एग्जीक्यूटेड बाय परवेज मुशर्रफ साहब, जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो हम सिर्फ बात करें कि गलती हम देखें कौन सी गलती ज्यादा जो थी सेवर थी, और कौन सी गलती जो थी वो एक बड़ी माइनर किस्म की थी। सो आई थिंक वही गलती थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था या पाकिस्तान की जो इमेज थी टू द होल वेसिनिटी डिस्टर्ब हुई उसके बाद। एंड लाइक आई सेड कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर बनने के बाद ज्यादा रेलिवेंट हो गया, और उस रेलिवेंसी का नुकसान क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक तो हमारे मामला पहले भी खराब थे इंडिया से और बाकी कुछ ममालिक से, लेकिन नेटो के साथ एक तो गलती होगी कि आपका चौथा मार्शल लग गया, दूसरी गलती हमारी वहाँ उस टाइम पे ये होगी कि हमने यूएसए के साथ मुआहिदा कर लिया। यूएसए के साथ जो एक जंग थी, जो जंग थी तालिबान के साथ, जंग जो थी वो अफगानिस्तान के साथ, उसका हिस्सा हो गया आफ्टर द एक्चुअल 9/11 हैपेंड 2001 इन यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका में जो हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बना, पाकिस्तान नेटवर्क का हिस्सा बना, पाकिस्तान ने जो थे अपने इनजमा उर्दू में बोलते हैं कि जब अपने अड्डे फराहम किए इस जंग का हिस्सा बनने के लिए। और उसका नुकसान क्या हुआ, उस गलती का मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती वो थी जो मुशर्रफ साहब ने अपने डिक्टेटरशिप जो उनका एक एरा था उसमें ये की कि हमने उस जंग का एक हिस्सा बना दिया। नुकसान क्या हुआ, नुकसान
सबको हुआ। वी कांट से कि जी सिर्फ आर्मी एज अ इदारा उसको नुकसान हुआ, अवाम को भी नुकसान हुआ। लॉट ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, लॉट ऑफ हम उस जंग का हिस्सा बन गए कि जिस जंग से हमारा ना लेना था ना देना था। हम उस इंतशार में, हम उस खौफो हरास में हमारा बहुत सा वक्त ज़ाया भी हुआ, हमारा बहुत सा वक्त जो है बर्बाद हुआ उसमें। एंड उस चीज़ में एक और सबसे बड़ा नुकसान जो हमारा हुआ था वो हुआ था APS दिसंबर में, कि जब एक इंटरनेशनल मीडिया को तो छोड़ दे, बट हर एक पाकिस्तानी का नुकसान हुआ था उस एक APS का जो वाकया था। अब वो गलती जो थी, आप उसमें ये नहीं कह सकते कि जी द सिक्योरिटी शुड बी देयर और ये ऐसा हो जाता तो वो हो जाता, बट वो जब नुकसान की बात आती है, जब कोई नुकसान होता है तो वो मुकम्मल एक नेशन का होता है, मुकम्मल एक पाकिस्तान का नुकसान होता है। और जब एक पाकिस्तान के इतना शदीद नुकसान हुआ, एंड फॉर मी दैट वॉज अ 9/11 फॉर पाकिस्तान, के जब पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान कि पूरी अवाम में खौफ व हरास जो था वो शदीद हद तक फैला। लेकिन उसके बाद भी क्या अवाम ने, क्या पीपल ऑफ पाकिस्तान से कि लाइक दिस इज यू एंड दिस इज अस, नो। वो जो जंग थी बेशक दैट वाज बिकॉज ऑफ ए फोर्थ मार्शल लॉ की वजह से उस जंग का हिस्सा बन गया, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट यस लेट्स वर्क आउट टुगेदर, द आर्मी ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड बी ऑन द सेम पेज एंड लेट्स जस्ट फाइट दिस टेररिस्ट। और उस टेररिज्म का हमने मुकाबला किया, हम वापस उस स्टेज पे आए। अभी हम मुकम्मल तौर पे स्टेबल तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे हम स्टेबल हो रहे हैं। गलतियां हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और इसके अलावा फिर हमने एक और गलती भी ये भी की थी कि वो जो थे एक उसामा बिन लादिन दोबारा पाकिस्तान से ही मिला था, और उसकी वजह से वो भी एक गलती थी जिसकी वजह से फिर हमारा जो एक नाम था, हमारी जो एक रेपुटेशन थी अगेंस्ट USA, अगेंस्ट ऑल द इंटरनेशनल वसेनिटी, वो भी डैमेज हुआ था। बट ये जितनी भी गलतियां जब होती हैं, अगर वो गलती किसी फॉर एग्जाम्पल किसी उखान से, बट लेट्स से अगर वो गलती किसी आर्मी की तरफ से होती है या किसी अवाम की तरफ से होती है, एट द एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट पॉइंटिंग आउट फिंगर्स वी जस्ट नीड टू गेट सॉल्यूशंस की तरफ जाए। बिकॉज हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जाम्पल 1999 में नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने एक बहुत बेहतर काम किया एटॉमिक पावर में, उसके बाद वो गद्दार हो गए। अब्दुल कदीर खान साहब जो थे वो गद्दार एक्साइल में, इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया इंटरनेशनल लेवल पे, इज अ स्टार, इज अ हीरो, बट ये नहीं हो सकता 2024 में उनको भी हम एक गद्दार या डिक्टेटर या एक रेबल के तौर पर ही उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाए। पाकिस्तान एज अ हिस्ट्री, उस हिस्ट्री का फायदा ये उठना चाहिए कि हमारे पास हीरोज जनरेट होने चाहिए, उन हीरोज को लेवरेज मिलनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, तो इस चीज का भी फैसला ये है कि देखिए देयर शुड नॉट बी अ 100% डेमोक्रेसी, देयर शुड नॉट बी अ 100% डिक्टेटरशिप, एवरीवन हैज टू बी ऑन पेज। अगर कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, अगर वो आपको बता रहे हैं कि भाई आप जो है रशिया मत जाए या आप यूक्रेन मत जाए, या फॉर एग्जाम्पल USA की एक ये बात है विच इज़ वेरी वेरी वैलिड, आप उसको माने, तो इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि डिक्टेटरशिप आ गई है। या फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसमें ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी आप इदारों की हक तलफी हो रही है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द होल पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो इसमें हर बंदे की एक इनपुट है, हर बंदे की अपनी एक एडवाइस है, उस एडवाइस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और एज अ पाकिस्तान, एज अ होल नेशन हमें आगे की तरफ चलना चाहिए। अब इसको सम अप करते हैं कि देखें, पाकिस्तान हैज सफर्ड, पाकिस्तान हैज सफर्ड अ लॉट, पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम सब लोगों ने सफर किया, इंक्लूडिंग पीपल ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग आर्मी ऑफ पाकिस्तान, जो है शहीद हुए हैं, और वो जो शहीद होता है जवान भी, वो एक जवान शहीद नहीं होता, उसका जो दुख है, उसकी जो एक फील है, वो पूरे पाकिस्तान को जाती है, अवाम को जाती है, क्योंकि अवाम में से ही हम लोग इसका हिस्सा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सबका पाकिस्तान है, फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, अवाम भी आपकी है, ठीक है। तो पाकिस्तान है सफर्ड अलॉट, और इंस्टेड नाउ अब एक और विक्टिमाइजेशन डे, या एक और ऐसा कल्चर, या एक और गद्दारे पाकिस्तान क्रिएट करने की बजाय, ये जो 9th मई ऑफ 2024 बन रहा है, ये जो 9th मई है, वी ऑल नो दैट इज बिकॉज ऑफ ए पॉलिटिकल बेनिफिट्स। इससे ज्यादा जो है मुल्क दुश्मन
नासिर हुए हैं, वाक्यात हुए हैं दैट शुड बी मोस्ट कंटेम्पबल इंस्टेड के एक पॉलिटिकल, जो एक समझ लें कि एक मैनिफेस्ट है उसको इम्प्रूव या उसको प्रोवोक करने की बजाय। एंड द लास्ट थिंग दैट आई विल से कि कहीं पे भी जब गलती होती है, कहीं पे जब मिस्टेक पॉइंट आउट होती है, सो इंस्टेड वी थिंक कि जी ये जो गलती पॉइंट आउट हुई है दैट इज फॉर द होल यूनिट, फॉर द होल वेसिनिटी। ऐसा नहीं होता, उस स्पेसिफिक उस शख्स की बात हो रही होती है। सो सोल्यूशन सोल्यूशन इसका भी ये है कि इंस्टेड इसको एक और ईगो ईगो मैनिफेस्टेड की एक और जंग बनाने की बजाय, इसको जस्ट बिकॉज एक स्पेसिफिक पावर को फायदा देने की बजाय, इस 9 मई को इतना ज्यादा एग्जैजरेट करने की बजाय, आई थिंक वी ऑल शुड सॉर्ट आउट आवर प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान हैज सफर्ड अ लॉट द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दीज यूज ऑफ पावर, यूज ऑफ डिक्टेटरशिप, यूज ऑफ डेमोक्रेसी। एट द एंड ऑफ द पावर इज आई थिंक द रियल एनिमी फॉर पाकिस्तान फॉर राइट नाउ। सो कुछ चीज की बजाय लेट्स ऑल जस्ट बी ऑन द सेम पेज, एक पेज की तरफ आए। आइदर इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, और आइदर इट शुड बी ओनली डेमोक्रेसी, और आइदर इट शुड बी समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान। वी ऑलरेडी हैव लॉस्ट अ लॉट इन पाकिस्तान, वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ आवर पीपल, वी ऑल्सो हैव लॉस्ट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वी नेम्ड द कश्मीर। यू कैन से जी हम हमारी जो एक शाह रख थी वो हमारे से द आर्टिकल 360 इंडिया ने जब खत्म किया है, उसका यही मकसद था कि अब वो जो कश्मीर है वो आपका इंडिया का हिस्सा बन चुका है। अब उस डिबेट में हम नहीं जाना चाहते कि ये जो कश्मीर का एक जो पार्ट है, अब ये मीडिया पे या ये न्यूज़ पे या आर्मी या कोई भी गवर्नमेंट लेवल पे इस पर बात क्यों नहीं करता, बिकॉज दैट इशू दैट कश्मीर इशू ऑलरेडी हैज बीन रिजॉल्व्ड। बट ये जितने भी मामलात हुए हैं जहाँ पे हमें बहुत सा नुकसान हुआ है, जानी और माली नुकसान या कोई हमारे मुल्क का ही एक हिस्से का नुकसान जो हुआ है, इन द फ्यूचर ऐसे नुकसान से बचने के लिए लेट्स जस्ट ऑल बी ऑन द सेम पेज, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द पॉलिटिकल एजेंडा, फॉर द पावर एजेंडा, लेट्स जस्ट डू समथिंग फॉर द बेनिफिट्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड लेट मी जस्ट से अगेन, वी ऑल आर द पीपल, वी ऑल आर द सेम, देयर शुड नॉट बी अ डिस्क्रिमिनेशन। That people of Pakistan, the army of Pakistan, the mulk bhi mera hai and the fauj bhi meri hai, for fauj awam bhi aapki hai. There is no way any sensible man can think about a fight with their own army. So that was just a mafruza, a siyasi maqasid. Isse hat ke, let's just work for the Pakistan, let's just work for the betterment of Pakistan, and Pakistan zindabad, Pak fauj zindabad. And the last but not the least, let me just play a video and then I'll say goodbye. I love it. ये फिजा।